और लातेहार के बालूमाथ में बीजेपी नेता राजेंद्र साहू हत्या मामले को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी अजय कुमार से मुलाकात की है और तीन पन्नों का ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई चतरा में बीजेपी सांसद सुनील सिंह ने की है और साथ में नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर और जनार्दन पासवान, प्रतुल शाहदेव जैसे नेता मौजूद रहे। बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। और अपराधियों के अंदर भय नहीं है, और अभी हाल में ही राजेंद्र साहू जी की हत्या हुई जो भाजपा के नेता थे, उसके पूर्व हमारे सिमरिया के दो लोग जूस चलाते थे, मुकेश और उनके भाई, और इसी तरह से अन्य जो हत्याएं हुई, तो इसमें अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, कोई एक निश्चित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते लोगों में खौफ है। तो इसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माना डीजीपी साहब से मिलने आया था, और इसी संबंध में हम लोगों ने डीजीपी को ज्ञापन दिया है और उनसे बात। आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे सांसद सुनील जी के नेतृत्व में, हम लोग यहाँ झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर आए, और खास करके जिस तरह से चतरा में बालूमाथ में श्री राजेंद्र साहू जी की दिन दहाड़े हत्या हुई और अपराधियों में खौफ नहीं दिख रहा है, जो पुलिस प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, जैसे अभी हाल में ही सुभाष मुंडा जी की हत्या दलादिली चौक में घर में घुसकर हत्या हो गई, और जमीन से संबंधित हत्या लगातार हो रही है, और कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से जमीन दलाल फल फूल रहे हैं। हम लोगों ने उन बात को भी अंकित किया, डीजीपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो घटना घट रही है उस पर नज़र बनाए हुए हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत हद तक पहुंचे हैं, और जो बचा हुआ है करेंगे, लेकिन हम लोगों ने विशेषकर पूरे झारखंड की परिस्थिति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।